एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ प्रियंका और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कस्टर्ड की रेसिपी बहुत ही सिंपल तरीके से। तो मैंने यहाँ पर 1 लीटर मिल्क लिया है, फुल फेट मिल्क है। इसमें हम एक बॉईल आने देंगे, इसके बाद अब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लें। और कस्टर्ड पाउडर ऐड करने के लिए हम पिल्सबरी का कस्टर्ड पाउडर मैंने लिया है, ये बहुत अच्छा होता है। 2 बड़े चम्मच एक बाउल में ले लें और उसमें चिल्ड मिल्क ऐड करें, ठंडा दूध ऐड करें ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। ये जो स्लरी है वो लम्स फ्री होनी चाहिए ताकि कस्टर्ड में कोई भी लम्स ना रहे। तो ये अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम दूध में शुगर ऐड करेंगे। तो मैंने 1 कप शुगर ऐड की है 1 लीटर मिल्क के लिए, और इसके साथ ही हम ये स्लरी ऐड कर देंगे। तो आप कंटिन्यूसली दूध को चलाते रहें, जब भी आप कस्टर्ड डालें जब तक अच्छा बॉईल नहीं आ जाता तब तक आपको स्टीर करते रहना है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। जब ये अच्छे से बॉईल हो जाए, थोड़ा सा थिक होने लगे, अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, इसे चिल्ड होने दें। उसके बाद आपके पसंद के हिसाब से, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप इसमें फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ग्रेप्स, एप्पल, चीकू, बनाना ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल भी ऐड कर सकते हैं, बट जब आप सर्व करें तब ही फ्रूट्स ऐड करें, जैसे पाइनएप्पल और स्ट्रॉबेरी, इस टाइप के फ्रूट्स आप सर्विंग के टाइम पर ही डालें। और ये हमारा कस्टर्ड बिल्कुल रेडी है, इसे आप चिल्ड कर दें और इसे ठंडा ठंडा इंजॉय करें। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।